गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक विशाखापट्टनम। और फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में न्यू रेसिपी लेके। आपको ये दिख रहा होगा, ये है रॉ मैंगो कच्चा आम। और कल आंधी आई थी तो आम गिरे थे पेड़ों से, तो सोचा क्यों ना सब्जी से बोर होके ये सब्जी बनाई जाए। सब्जियाँ खाने का कभी मन नहीं कर रहा, दाल खाने का मन नहीं करता है, तो आज मैं न्यू रेसिपी लाई हूँ। आई होप बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो ये है सौंफ, तो मैं इसमें सौंफ डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें हींग डालूंगी। आप चाहें तो ज़ीरा डाल लें, लेकिन हम बचपन से ऐसे ही खाते आए हैं तो हमें सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद में हमें हल्दी डालनी है, हल्दी पाउडर को मिला लेना है। हल्दी अच्छे से पक जाए उसके बाद में आप, ये कच्चे आम हैं, ये पूरा एक आम है, बहुत बड़ा आम था, ये पूरा एक आम है, आप इसको डाल दीजिए। यकीन मानिए गाइस, बहुत टेस्टी और यम्मी रहती है। और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है। और ये जब भी आपका मन करे, जैसे हम सॉस खाते हैं ना, तो सॉस की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद में गाइस ये है हरी मिर्ची है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे।